अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। अच्छा जी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंपनी फाइनल अकाउंट और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर 4। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ जी, एक्स कंपनी पेड अप कैपिटल कंसिस्टेड ऑफ द 10,000 इक्विटी शेयर हैविंग वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। यानी 10,000 क्वांटिटी है शेयर्स की जो पेड है, पेड आपका पेटल है, और ₹100 उसकी वैल्यू है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पेड अप कैपिटल 10,000, ₹100 वैल्यू है, 10,000 इक्विटी शेयर, हाँ जी ₹100 वाले। तो ये बन गया है 10 लाख, 10 लाख रुपये इसका कैपिटल बन गया। उसके बाद क्या कहता है जी, ट्रेडिंग अकाउंट रिजल्ट शो ग्रॉस प्रॉफिट 1,43,000 फॉर द ईयर 2001। अच्छा, यानी वो कह रहा है जो ग्रॉस प्रॉफिट है 1,43,000, यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना खुद ही बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट 1,43,000। उसके बाद क्या कहता है जी, फर्दर इंफॉर्मेशन आर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज ₹10,000। यानी फर्नीचर की डेप्रिसिएशन का उसने रेट नहीं बताया, अमाउंट निकाल के दे दी हुई है। इसका साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है यह स्ट्रेट लाइन है मेथड के ज़रिए, जो है ना स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए निकाली हुई है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 10,000, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 10,000, ठीक हो गया जी। रेट 0% है, 10,000 जो है, 10,000 डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या कहता है जी, ऑडिटर रेमुनरेशन एंड फी फॉर द सर्विसेज अमाउंट ₹14,000, 14,000 का ऑडिटर का मुआवजा है, एक्सपेंस है, यानी कि 14,000 का ऑडिटर। उसके बाद क्या कहते हैं जी, मैनेजर के कमीशन है 2% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, 2% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट मैनेजर की कमीशन है, मैनेजर की कमीशन 2% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जी, 1,43,000, उस पर 2%, एक लाख तरतालीस हजार जरब 2%। ये बन गया 2,860। उसके बाद क्या कहता है जी, देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। यानी ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है प्रॉफिट है 40,000। उसके बाद क्या कहता है जी, दी एनुअल जनरल मीटिंग फॉर्मिंग अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉफिट वार अप्रूव्ड। अच्छा, ये एनुअल जनरल मीटिंग आ गया सेंटेंस, इसका मतलब है ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगी और कुछ बैलेंस शीट में भी जाएंगे।
फॉर टैक्सेशन रिजर्व प्रोविजन 23,000। उसके बाद क्या कहता है जी, प्रोविजन फॉर 19,000 की डिबेंचर सिंकिंग फंड, 19,000 डिबेंचर सिंकिंग फंड। उसके बाद अच्छा 3 रुपये पर शेयर फाइनल डिविडेंड है। फाइनल डिविडेंड का उसने रेट नहीं बताया, 3 रुपये पर शेयर बता दिया, तो ये 30,000 बन गया। आगे क्या कहता है जी, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट इसने निकाला हुआ 116,140। ग्रॉस प्रॉफिट मैनेजर की कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट पे आ गई 116,140। और डेप्रिसिएशन और फर्नीचर एंड फिक्चर की डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन पे थी, फर्नीचर एंड फर्नीचर की डेप्रिसिएशन 10,000। एक 16,140। ये जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेडी है, इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं जी। 1,47,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट उसने ऑलरेडी बता दिया था, वो क्रेडिट हो गया। 14,000 का ऑडिटर रेमुनरेशन फी थी जो कि एक्सपेंस है। 10,000 की डेप्रिसिएशन थी फर्नीचर एंड फिक्चर पे जो कि एक्सपेंस है। मैनेजर कमीशन वो भी एक्सपेंस है। नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र हुआ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में वो 116,140 हुआ है। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में। 116,140 ये करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट उसने बता दिया हुआ था 40,000, जो कि ये लिखा हुआ 40,000। 19,000 का सिंकिंग फंड आ गया, 30,000 का प्रपोज डिविडेंड आ गया, 1,07,140 ये अमाउंट जो है बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो गए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन उसने सिर्फ ए टैक्स का जिक्र सिर्फ एक ही मरतबा किया हुआ है, यहाँ पे 23,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। 23,000 तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस 23,000, तो ये बैलेंस जो अब आ गया 84,140, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा। चले रजिस्ट्रेशन में भी देखते हैं इतनी बैलेंस है। 84,140 ये देख लें जी, 84,140 जो है ये बैलेंस जो है बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, प्रोविजन एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि प्रोविजन का मतलब क्या है। प्रोविजन का मतलब है एनी अमाउंट सेट असाइड फॉर अ नॉन लाइबिलिटी इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और ये जो है रिजर्व, ये रखी जाती है फॉर अन स्पेसिफिक पर्पस। एनी अमाउंट सेट असाइड फॉर नॉन लाइबिलिटी, इधर आ जाएगा अननोन लाइबिलिटी इज कॉल्ड रिजर्व। चलें जी, आज का टॉपिक तो हो गया क्लोज,
انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.